क्या कोरोना है दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए चीन का सबसे बड़ा हथियार? नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं शिवाय न्यूज। क्या चीन ने सबसे पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई और उसे फ्रिजों में तब तक कैद रखा जब तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में ना आ गई? चीन दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा हब बन गया था। चीन ने इस वायरस को अपने शहर वुहान में छोड़ा और जबरदस्त मौतों के तहत भागते हुए इन्वेस्टर्स के शेयर्स को कोड़ी के भाव खरीद लिया। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी को छोड़कर भाग गए तो चीन ने अपनी पहले से बनाई गई इस वैक्सीन को बाहर निकाला और एक ही दिन में रातों रात कोरोना से होने वाली मौतों को रोक दिया। इस जंग में चीन ने अपने कुछ लोग तो खोए पर पूरी दुनिया की दौलत लूट ली। आज चीन में कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं हो रही है, ना ही इस वायरस के कारण मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये वायरस दुनिया भर के देशों के लिए गले की फांस बन गया है। आज सारी दुनिया के देश अपनी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होते देख रहे हैं, लेकिन 17 मार्च के बाद चीन की अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। ये एक ऐसा आर्थिक युद्ध है जिसमें चीन जीत चुका है और दुनिया इस वायरस से लड़ते हुए अपना जान माल गंवा रही है। ये तो भारत के लोगों का इम्यून है जो हर मुश्किल की घड़ी में एक योद्धा की तरह लड़ता है और जीतता है। हमारे देश के अधिकांश नागरिक इकोनॉमी के आंकड़ों में नहीं फंसते, वो पत्थर में से पानी निकालने की कुव्वत रखते हैं। हम भारतीय बड़े से बड़े रोग को रोटी के टुकड़े में लपेटकर खाने और पचाने में माहिर हैं। हम कभी भी कुदरत के विरुद्ध युद्ध नहीं करते बल्कि उसकी पूजा करते हैं। पर हर भारतीय को ध्यान रखना चाहिए कि चीन इस कुदरत का खलनायक है और हमें उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। चीन से यह वायरस दुनिया भर में फैल गया पर कैसे चीन के बड़े शहरों बीजिंग और शंघाई पर इसका कोई असर नहीं देखा गया, लेकिन इटली, ईरान और यूरोपीय देशों में, यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका में भी इस वायरस का तांडव जारी है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अमेरिका ऐसे ही चाइना को दोष नहीं दे रहा है। क्यों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे बार बार चाइनीज वायरस कहकर पुकार रहे हैं? जहाँ पूरी दुनिया इस वायरस से प्रभावित हो रही है, वहीं चीन के वुहान शहर के अलावा ये वायरस पूरे चीन में क्यों नहीं फैला? चीन की राजधानी तक आखिर इससे कैसे अछूती रह गई? क्यों शुरुआती दौर में चीन ने इस वायरस को पूरी दुनिया से छुपाए रखा? यहाँ तक कि चीन ने कोरोना वायरस के शुरुआती सैंपल्स तक को नष्ट कर दिया। इसे सामने लाने वाले पत्रकार और डॉक्टर तक को खामोश कर दिया गया। पत्रकार को तो गायब ही कर दिया गया। दुनिया के दूसरे देशों ने जब चीन से इस वायरस के बारे में जानकारी साझा करने को कहा तो चीन ने क्यों मना कर दिया? ये वायरस मानव से मानव में फैलता है, इस बात को छुपाने के लिए चीन ने WHO के निदेशक का इस्तेमाल क्यों किया? WHO के निदेशक जनवरी के महीने में चीन के शहर बीजिंग में क्या कर रहे थे? क्या WHO और चाइना के बीच कोई प्लान फिक्सिंग चल रही थी? 11 जनवरी तक WHO ट्वीट करता रहा कि किसी भी एयरलाइन के लिए कोई गाइडलाइन जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये वायरस मानव से मानव में नहीं फैलता, लेकिन ये पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि ये वायरस मानव से मानव में फैलता है और काफी तेजी से फैलता है, तो फिर WHO ने झूठ क्यों बोला? चाइना के वुहान शहर से इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को बिना किसी मेडिकल जांच के ही दुनिया के देशों में क्यों भेजा गया? 6 फरवरी तक इटली में कोरोना के मामूली केस थे, लेकिन इसके बाद इटली के एक पर्यटन स्थल सिटी ऑफ लव में कुछ चीनी नागरिक गले में तख्ती लटकाकर खड़े थे जिसपे लिखा था कि हम चीनी हैं, वायरस नहीं, आइए हमें गले लगाइए। क्या ये चीन के द्वारा खेला गया एक षड्यंत्र था? आखिर क्यों चीन के लोगों ने इटली पहुंचकर वहां के लोगों को गले लगाया? पूरी दुनिया आज चीन और WHO को शक की नजर से देख रही है और ताज्जुब देखिए कि कैसे एक ही दिन WHO और चीन भारत की तारीफ में उतर आए। क्या ये मात्र एक संजोग है? और अगले ही दिन भारत में चीन के राजदूत ट्वीट करके ये उम्मीद करते हैं कि भारत इस मामले में चीन की पैरवी करे। चीन को इस बात पर भी आपत्ति है कि इस वायरस को चीनी वायरस या वुहान वायरस ना कहा जाए, जबकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जिसमें वायरस का नाम उस जगह पर ही रखा गया है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई या फिर यूं कहें कि जहां से वो फैला। सार्क से लेकर G20 तक की बैठकें पीएम मोदी के कहने पर हो रही हैं। इस मुश्किल की घड़ी में भारत एक लीडर की तरह उभरा है। इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब अब तक कोरोना से निपटने में असफल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की पहल पर भारत इससे कहीं बेहतर तरीके से डील कर रहा है। चीन इसी का फायदा उठाकर यह चाहता है कि भारत इंटरनेशनल बिरादरी में उसके इस अछूतपन को दूर करे, लेकिन चीन पर संदेह भारी है और रहेगा। आज हम
चीन की इसी रणनीति का पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले चीन ने एक वायरस बनाया, नाम था कोरोना। फिर उसके बाद इस वायरस को दुनिया भर में फैलाया। चीन ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए रातों रात हॉस्पिटल्स का निर्माण करवा लिया, क्योंकि वो तो पहले से ही तैयार थे। चीन ने अपनी परियोजनाओं के साथ मेडिकल उपकरण बनाने का आदेश दिया था। चीन ने पहले से ही इन सब चीजों का भारी मात्रा में निर्माण करवाया और इनके स्टॉक जमा किए। ये सब चीन की रणनीति का एक हिस्सा था। इसका परिणाम यह हुआ कि इस वायरस के फैलने के कारण दुनिया भर में अराजकता फैलने लगी, खासकर यूरोप में। दर्जनों देशों की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ गिरी, कितने ही देशों में प्रोडक्शन बंद हो गया। परिणाम यह हुआ कि शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट आई। चीन ने इस महामारी को जल्दी ही अपने देश में नियंत्रित कर लिया। रातों रात वुहान से कोरोना के नए मरीज मिलने बंद हो गए, जबकि इटली और अमेरिका जैसे देश भी स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। आखिर ये कैसे हुआ? क्योंकि चीन इस सब के लिए पहले से ही तैयार था। फिर चीन तुरंत ही उत्पादन करने में वापस जुड़ गया, जबकि पूरी दुनिया में एक ठहराव है। जहां पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है, वहीं चीन अपनी फैक्ट्रियों में काम शुरू कर चुका है। चीन उन चीजों को खरीदने लगा है जिनकी कीमत में भारी गिरावट हुई है, और उन चीजों को बेचने लगा है जिनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। यदि आपको इन सब बातों पर विश्वास ना हो रहा हो तो जरा 1999 में चीनी उपनिवेशों क्याओ लियांग और वांग जियांगसुई के द्वारा लिखी गई किताब अप्रतिबंधित युद्ध, अमेरिका को नष्ट करने के लिए चीन का मास्टर प्लान को पढ़ लें। ये सभी फैक्ट्स इस किताब में मौजूद हैं। अब जरा सोचिए कि कैसे रूस और उत्तर कोरिया पर इस वायरस का प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही देश चाइना के कट्टर सहयोगी हैं। जबकि दूसरी ओर दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, अमेरिका, इस सारे देश कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि ये सब चीन के कंपटीटर हैं। अगर आप चीन से पूछेंगे कि वो अचानक इस वायरस से मुक्त कैसे हुआ, तो चाइना कहेगा कि उसकी शुरुआती उपाय बहुत कठोर थे। उसने वुहान शहर को लॉकडाउन किया हुआ था, लेकिन ये कैसा लॉकडाउन था? अगर लॉकडाउन होता तो ये वायरस चीन से दुनिया भर के देशों में नहीं फैलता। इशारा साफ है कि चीन पहले ही इस वायरस का एंटीडोट बना चुका था। खाली वुहान में ही ये वायरस क्यों फैला, बीजिंग में क्यों नहीं? खैर, वुहान को भी अब व्यापार के लिए खोल दिया गया है। अमेरिका और इटली जैसे देश आर्थिक रूप से तबाह हो रहे हैं, और जल्दी ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था चीन के योजना के अनुसार ढह जाएगी। चीन ये जानता है कि वो अमेरिका को युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो क्या कोरोना चीन का विश्व विजयी फॉर्मूला है? वायरस का उपयोग करो और दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर दो और उनकी सैन्य क्षमताओं को पंगु बना दो। निश्चित ही नैन्सी पेलोसी को इसमें एक सहायक बनाया गया था, कारण था ट्रंप को टक्कर देने के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा ये बताते हैं कि कैसे ग्रेट अमेरिकन अर्थव्यवस्था सभी मोर्चों पे सुधार कर रही है। अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने के लिए ट्रंप के विजन को रोकने का एकमात्र तरीका था आर्थिक तबाही। नैन्सी पेलोसी ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग लाने में असमर्थ थी। वुहान तो महामारी का बस एक प्रदर्शन था, अब ये वायरस महामारी को चरम पर ले जा चुका है। और एक बात पर गौर कीजिएगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उन क्षेत्रों का दौरा करने जो कि कोरोना से बुरी तरह प्रभावित थे, वहां बस एक साधारण RM1 मास्क पहनकर पहुंच जाते थे, जबकि कम से कम ऐसी जगहों पर तो उन्हें सर से लेकर पैर तक पूरा ढका होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। इशारा साफ है कि वायरस से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन्हें पहले ही एंटीडोट दिया जा चुका था। का मतलब साफ है कि वायरस से बचने के लिए पहले ही उसका इलाज खोज लिया गया था। अब यदि आप तर्क दें कि बिल गेट्स ने तो पहले ही 2015 में एक वायरस के फैलने के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए चीनी एजेंडा सच नहीं हो सकता, लेकिन बिल गेट्स की ये जानकारी एक नेचुरल वायरस पर आधारित थी, ना कि मैन मेड वायरस पर। अब चीन ये भी बता रहा है कि वायरस का पहले से ही अनुमान था, ताकि उसका एजेंडा वायरस की उस भविष्यवाणी से मेल खा सके और ये सब कुछ एक नेचुरल डिजास्टर लगे। खैर, आगे दुनिया खुद ही देख लेगी कि चीन का अगला कदम गिरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों के स्टॉक खरीदकर विश्व अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में लेना होगा। चीन ये घोषणा कर देगा कि उसके मेडिकल शोधकर्ताओं ने इस वायरस की दवा ढूंढ ली है और इस वायरस के एंटीडोट के लिए दुनिया चीन की मुट्ठी में आ जाएगी। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा चीन का ये मास्टर प्लान भी सामने आ जाएगा। चीन दुनिया भर के देशों को घुटनों पर लाना चाहता है। ऐसे समय में हमें पूरी मजबूती से काम लेना होगा। हमें किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र को मजबूत बनाए रखना होगा, और ऐसा करने के लिए ये जरूरी है कि इस वायरस से बचने के लिए आप पूरी सावधानियां बरतें। जय हिंद। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल शिवाय न्यूज, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।